इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करते हुए भी उन्होंने मुझसे भी ज्यादा कड़ा फास्ट रखा। मेरे सामने नहीं खड़ा हुआ था वो, फोन पे भी अवेलेबल नहीं था बिकॉज ही वाज सेलिंग। आई रियली थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस मोमेंट वेयर आई कुड। आज जादवी का बर्थडे है और मैं बहुत सारा कुछ खाने के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एंड आई एम सिंस इट्स नेहा हैज ऑर्गेनाइज द पार्टी, नेहा इज नोन टू ऑर्गेनाइज बिग ब्यूटिफुल बैश बैशेज रादर, एंड उसमें एक बहुत लाविश सा केक होने वाला है और मैं जाके सबसे पहले खाने वाली हूँ बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम वर्क एंड आई एम सुपर हंग्री। ये नेहा की पार्टी है, नेहा ने ऑर्गेनाइज कर दिया लुक, सो इट्स स्टाइल्ड बाय नेहा। एंड बाकी इनसे पूछो भाई, एक और डिज़ाइनर है मेरे साथ, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है रश्मि। सो आई एम ईदर स्टाइल्ड बाय नेहा एंड आई एम वेयरिंग नेहा के स्टाइल्ड कपड़े या रश्मि के डिज़ाइन कपड़े, सो दीज आर द टू पीपल। वो हमेशा लगने वाली है I really thank God for giving me this moment where I could keep fast for my husband and experience this whole feeling of I still have goosebumps. I was telling my mom and everyone ke maine kabhi fast nahi rakha. I'm not a person who fast. I eat. I sometimes eat in controlled manner, but I don't fast. Aur Karwa Chauth mujhe pata bhi nahi hota tha ki kab hai. And this time I was so excited for it that I had a mehndi, I had a whole mehndi function at home, then Karwa Chauth, then at Ankita's, at my home, and all of that. Aur ye festivities har ek woman ki life mein aaye. और शादी के बाद लंबे टाइम तक आते रहे, हर साल आए, बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मेरे सामने नहीं खड़ा हुआ था वो, फोन पे भी अवेलेबल नहीं था बिकॉज ही वाज सेलिंग, सो ही वाजंट अवेलेबल एट ऑल। वो देखो प्यार करने वाले तो यहाँ खड़े हुए हैं इनके। मेरे प्यार करने वाले तो हर जगह है। सो इवन दो माई हस्बैंड वॉज नॉट देयर एंड आई ब्रोक माई फास्ट लुकिंग एट दिस पिक्चर ऑन माई फोन, तो बड़ी अलग तरीके का मेरा करवा चाहता है। उनकी फोटो देखकर मैंने छन्नी में फास्ट खोला, बट स्टिल जो प्यार था वो मैं फील कर सकती थी और जो मैंने भी सारे दिन भूखा रही वो मैंने इन्जॉय किया, लाइक इंस्टेड ऑफ सफरिंग आई वॉज रियली इन्जॉइंग। वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करते हुए भी उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा कड़ा फास्ट रखा। आई वोक अप फॉर सरगी, ही डिड नॉट इवन वेक अप फॉर दैट, लाइक ही डिड नॉट इवन हैव फूड इन द मॉर्निंग टाइम। ही वॉज विदाउट फूड, विदाउट वाटर थ्रू आउट द डे वाइल ही वॉज ऑन हिज सर्विस। थैंक यू सो मच, हम बहुत लकी हैं कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं। और कभी कभी तो मुझे इतनी वीडियोज़ और फोटोज़ में मैं इतनी बुरी लग रही होती हूँ और मैं उसके नीचे ऐसे करके कमेंट्स देखती हूँ कि लोगों ने कितने ज़्यादा मुझे गालियाँ दी होंगी, बट एवरीबॉडी यूजुअली वुड हैव सेड वेरी प्रिटी, शी सो क्यूट एंड ऑल दैट। I'm not finding myself nice, but you guys are. So that gives me a lot of motivation and encouragement. Thank you so much for being my support system. Happy Diwali!